हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद एंटरटेनमेंट हाउस। आज की वीडियो में मैं आपको नॉर्मल साड़ी को कैसे क्लासिकल डांस कॉस्ट्यूम में ड्रेप करना है वही मैं सिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब मुझे साड़ी की पल्लू वाली साइड को राइट साइड में रखकर इस ड्रेपिंग को करना है। मैंने यहाँ पर क्लासिकल डांस कॉस्ट्यूम के लिए एक रेड येलो कलर की सिल्क साड़ी ली है और मैंने बॉटम में एक 3/4 पैंट यूज़ किए हैं। आप कोई भी जीन्स, लेगिंग्स, जीन्स यूज़ कर सकते हो। आप लेफ्ट साइड में कितना फैब्रिक छोड़ना है वही मैं आपको मेजरमेंट करके बताऊंगी। कैसे आप मेजरमेंट कर सकते हो वही मैंने वीडियो में दिखाया है। पहले राइट हैंड की मिडिल फिंगर से साड़ी की फैब्रिक को अपने शोल्डर तक लाना है। ऐसे 2 बार करना है। तीसरी बार मिडिल फिंगर से एल्बो तक साड़ी को लाना है, जैसे मैंने वीडियो में किया है। अब यहाँ पे मैं एक सेफ्टी पिन से इसे पिन करूँगी। अब लेफ्ट साइड की फैब्रिक को पाव के बीच में से लाके उसे छोटा छोटा प्लीट करना है। अपनी साड़ी की बॉर्डर ही अकॉर्डिंग ही ये प्लीट करना है, जैसे मैंने वीडियो में किया है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप प्लीट को अच्छे से सेट करके अपनी नॉट की अंदर टकिंग करना है। इसे पैंट के अंदर नहीं करना है टकिंग, नॉट के अंदर ही टकिंग करना है, जैसे मैंने वीडियो में किया है। मेरी लेफ्ट साइड की ड्रेपिंग कंप्लीट हो गई है। अब मुझे राइट साइड की फैब्रिक को पाव के बीच में से निकल कर एक कैजुअल प्लीट बना के अपनी पीछे में टक करना है। ये कैजुअल है, मैंने इस प्लीट को क्या करना है बाद में दिखाऊंगी। अब बची हुई फैब्रिक को उसकी बॉर्डर के अकॉर्डिंग छोटा छोटा प्लीट करके मुझे पल्लू सेट करना है।
आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप पल्लू की प्लेट लाइन को अच्छे से पकड़ के उसे सेट करके पाँव की नीचे की बॉर्डर तक मुझे टाइट करना है। पाँव की नीचे की बॉर्डर मुझे टाइट करना है, जैसे मैंने वीडियो में किया है। वैसे मुझे पल्लू ज़रा लंबा ही रखना है। इस पल्लू को मैंने बाद में डपिंग करके आपको दिखाया है। आप शोल्डर में पिन लगा के पल्लू को सेट करना है। फिर मुझे कैजुअल बची हुई फैब्रिक को, जो मैंने पीछे प्लीट बना के टकिंग किया था, उसे निकल के आप मुझे प्लीट करके उसे पीछे में टक करना है। क्योंकि जब मैंने पहला प्लीट किया था, मुझे पता नहीं था कितना फैब्रिक बचेगा। आप बची हुई फैब्रिक को प्लीट करके पीछे में टक करना है। अब मुझे फ्रंट में बची हुई फैब्रिक को सेट करना है। आप फैब्रिक को फैला के इसकी दोनों साइड की लेयर को बॉर्डर के अंदर पिन से पिन अप करना है, जैसे मैंने वीडियो में किया है। आप मुझे लास्ट स्टेप करना है। अपनी पल्लू को घुमा के राइट से लेफ्ट साइड तक घुमा के उसे ऐसे सेट करना है। अपनी बॉर्डर की थोड़ा सा हाथ से ढीला करके उसे अपनी पल्लू के अंदर सेट करना है। और बची हुई फैब्रिक को मुझे ऐसे ही फैला देना है। सो डांसर, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेम। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।